व्हाट्सअप गाइस, अगर आपके पास भी जियो फाइबर है तो आपने कभी ना कभी नो इंटरनेट इशू जरूर से फेस किया होगा। एंड जब ये इशू आता है तो आपके स्मार्टफोन्स में यहाँ पर जब आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो तो वहाँ पर नो इंटरनेट लिखा हुआ आ जाता है। आपके फाइबर पे ग्रीन लाइट जल रही होती है, उसके बाद भी आप इंटरनेट यूज नहीं कर पाते। एंड इस प्रॉब्लम के आज मैं बताने वाला हूँ कुछ सॉल्यूशंस, तो इस वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किपिंग। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मजा आएगा, देखते रहिए। मोस्टली केसेस में ये वाली जो प्रॉब्लम है आपके स्मार्टफोन के थ्रू आती है, एंड आपके स्मार्टफोन के थ्रू इसको रिजॉल्व करना भी काफी ज्यादा सिंपल है। आपको नॉर्मली जाना है अपने वाईफाई सेटिंग्स में, एंड अपना जो भी वाईफाई आपका कनेक्टेड है एंड जिसमें भी नो इंटरनेट दिखा रहा है उसकी यहाँ पर आपको सेटिंग्स में चले जाना है। उसकी सेटिंग्स में आपको एडवांस सेटिंग देखने मिल जाएगी, एंड जहां पर जो है आप DHCP पे और स्टैटिक पे जो है स्विच कर सकते हो। अगर आपको स्टैटिक दिखता है तो आप DHCP कर दो, एंड अगर आपको DHCP दिखता है तो आप स्टैटिक कर दो। ये जो है सबसे सिंपल तरीका है। अगर आपके स्मार्टफोन के थ्रू ये प्रॉब्लम आ रही होगी देन ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी। सेकेंडली ट्राई जरूर से करना कि आप जो है अपने फोन में से अपने वाईफाई को फॉरगेट कर लेना, वापस से पासवर्ड डाल लेना। कई बार कैश प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, लेकिन अगर ये वाला इशू आपके फोन के थ्रू नहीं आ रहा है, आपके राउटर के थ्रू आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके राउटर की केबल में प्रॉब्लम हो। लेकिन इसको जज करना काफी ज्यादा सिंपल है। आपका राउटर जो है रेड लाइट ब्लिंक करने लगेगा, एंड जब वो ऐसा करे समझ जाओ कि भाई आपकी केबल में या राउटर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उस केस में अपनी केबल को निकालो एंड वापस से लगाओ अपने राउटर पे, एंड काफी ज्यादा इजीली ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा अडेप्टर को भी एक बार ट्राई जरूर से कर लेना कि आप अडेप्टर निकालना, वापस से लगा देना। थोड़ा टाइम लगेगा वापस रीस्टार्ट होने में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रीस्टार्ट होने पर ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। कई बार मल्टीपल डिवाइसेस चलाने के कारण भी ये वाला इशू आपको देखने मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपना फोन भी यूज कर रहे हो, अपना लैपटॉप टैबलेट वगैरह भी यूज कर रहे हो, सो ऐसे में होता क्या है कि आपका वाईफाई जो है स्पेक्ट्रम को स्विच करता है अलग अलग डिवाइसेस के लिए। लेकिन कंपैटिबिलिटी के हिसाब से डिवाइसेस अगर ज्यादा होते हैं या डिवाइसेस पे ज्यादा इंटरनेट यूज हो रहा होता है तो वो जो है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्पीड को कम कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्पीड ट्रांसफर ही नहीं हो पाती है, जिस कारण से नो इंटरनेट इशू आने लगता है। तो अगर आप भी मल्टीपल डिवाइसेस यूज करते हो तो हो सकता है कि कई बार ये वाली प्रॉब्लम आपको देखने मिले। तो ऐसा करो भाई, एक से डिस्कनेक्ट कर दो, फिर दूसरे से यूज कर लो, या दूसरे से डिस्कनेक्ट करके पहले से यूज कर लो। तो अगर इसके बाद भी आपका ये वाला इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो सबसे सिंपल तरीका है, जियो कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हो। कस्टमर केयर पे कॉल करके आपको सिर्फ इतना बोलना है कि आपको नो इंटरनेट इशू आ रहा है, एंड आप जो है नो इंटरनेट देख रहे हो अपने फोन में। सो वो जो है सिंपली कुछ ऐसी टैक्टिक्स बताएंगे जिससे आप अपने वाईफाई राउटर को रीसेट कर सकते हो, या फिर आप अपने फोन से अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ऐसी कुछ कुछ नई नई छोटी छोटी टैक्टिक्स उनके पास भी होती है, सो वो सारी टैक्टिक्स भी आप यूज कर सकते हो। बाकी आज इस वीडियो में मैंने जितनी ट्रिक्स बताई है, मोस्टली मेरे साथ जब भी ये वाला इशू आया तो मैंने उसको उन्हीं ट्रिक्स से रिजॉल्व किया है, सो आप भी कर सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी बताना जरूर कॉमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।